नमस्कार दोस्तों, नीलकमल नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज एक नए प्लांट के बारे में रिव्यू करेंगे और उस प्लांट का नाम है गोल्डन साइपर्स। ये प्लांट एक ऐसा है दोस्तों, लैंडस्केपिंग में बहुत अच्छा काम आता है। ये घर में भी सजा सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इतना सुंदर इसका नज़ारा है। ये गार्डन में एक अपना अलग अलग ही रूप लेकर दिखाई देता है दोस्तों। इतनी चमक होती है इसमें और इतना निखरा हुआ रहता है, इतना उभार रहता है इसमें, देखते ही आंखों को एनर्जी मिलती है दोस्तों इससे। ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर नज़र आ रहा है दोस्तों। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे इसका कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन हो जाता है, और इसकी कटिंग करने के बाद में दोस्तों बिल्कुल ये घना हो जाता है। अभी जैसे ये खुला नज़र आ रहा है, थोड़ा कटिंग होने के बाद में बिल्कुल टाइट और गफ हो जाता है एकदम से, बिल्कुल अच्छा। जो आपको अभी दिखाएंगे, जो कटिंग कर रखे हैं वो भी दिखाएंगे। ये प्लांट करीब 15-16 फीट हाइट के हैं, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। इनका सबसे अच्छा ये है कि कहा जाता है कि गार्डन के अंदर एक ही कलर के अगर प्लांटेशन अपन कर देते हैं तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। अगर अलग अलग कलर नहीं हो जब तक उसमें मज़ा नहीं आता है दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। और गोल्डन साइपर्स एक ऐसा प्लांट है दोस्तों कि इसकी ब्यूटी इतनी निखर के आती है, मतलब सब पौधों से आप ये देख सकते हैं। जैसे इधर ग्रीन कलर की ग्रास है, पौधे हैं, इसका कलर बिल्कुल अलग हटके है। तो दोस्तों वो क्या उभर के आता है और अपने आप में एक बहुत अच्छा लुक देने वाली चीज़ है दोस्तों। इसको देखते ही इतनी एनर्जी आती है, सारे पौधों में एक अलग ही रूप नज़र आता है इनका। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी कटिंग करने के बाद में थोड़ा सा कुछ समय के लिए डल रहता है, उसके बाद में वापस वही कंडीशन में आ जाता है। अभी ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने पिलर्स बनाए हुए हैं और ये अपने छत के बराबर पहुंच चुके हैं। ये भी वही 15 फीट हाइट है, इनकी कटिंग कर दी गई है दोस्तों। अभी नए पत्ते आ रहे हैं इनमें, अभी ये जैसे ही पूरा भर जाएगा उसके बाद बिल्कुल गोल्डन और इतना सुंदर नज़र आएगा दोस्तों कि जैसे पिलर बना दिए हों ऐसा नज़र आएगा। ये थोड़ा जला हुआ दिख रहा है आपको, ये सब थोड़े दिन के बाद बिल्कुल भर जाएगा और इतना सुंदर नज़र आएगा दोस्तों कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये प्लांट है या ऐसा कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। ये देख सकते हैं पूरी वॉल को कवर कर रखा है और इतना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ये देख सकते हैं इसकी कटिंग करी हुई है, अभी 15 दिन पहले इसकी कटिंग हुई है। तो दोस्तों आपने देखा, अभी ये देखो कटिंग करने के बाद में ये पोजीशन में आ जाता है। पहले आपको जो दिखाया था वो बिना कटिंग के था, कटिंग करने के बाद में पूरा एकदम मजबूत और बिल्कुल यो इधर उधर बिखरेगा नहीं, और शेप में जब पौधा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि गोल्डन साइपर्स में एक वैरायटी और है जो है सेंटेड साइपर्स। ये दोस्तों इसके पास में जाते ही एक बहुत ही अच्छी महक आती है, खुशबू आती है जो एंटीबायोटिक होती है, और वैसे देखा जाए तो मेडिसिन प्लांट भी है ये दोस्तों। इस पे थोड़ा सा यूं हाथ फेरोगे आप और इसकी जो खुशबू हाथों में तुरंत खुशबू आती है, और वो जैसे ही खुशबू आप लेंगे दोस्तों एक बार तो आपका सर दर्द हो रहा होगा तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन है दोस्तों, इतनी बहुत अच्छी खुशबू है कि जैसे ही आप इसको छुएंगे, छूने के बाद ये अपने आप स्मेल छोड़ता है और वो खुशबू आप ऐसे लेते हैं बहुत ही, मतलब एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये एक अलग वैरायटी है दोस्तों, इसके साथ लगाया हुआ है, ये आपको पतला सा दिख रहा है, ये सेंटेड साइपर्स है। इसके साथ आप देख सकते हैं कितने अच्छे शेप में है, बहुत ही अच्छा पूरा बॉल बना हुआ है दोस्तों, टोपेरी टाइप बनाया हुआ है इसको, और अच्छा शेप में है, मजबूत है ये शेप में दोस्तों। इसको होने में कम से कम 2.5 या 3 साल लगते हैं, अगर आप सही केयर करेंगे तो ये शेप में आ जाता है। और अभी इसका कटिंग हो रखा है, जैसे इसमें नए पत्ते आएंगे पूरा गोल्डन नजर आएगा दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा इसका देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरा
आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कहीं भी इसको आप लगा सकते हैं, कैसे भी हर जगह ये चल जाता है। थोड़ा सा केयर की आवश्यकता है इसकी, बाकी आराम से ये चलता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जैसे कुछ पत्ते आ गए हैं, और देखिए कितना सुंदर नजर आ रहा है दोस्तों, ये पूरा ऊपर तक अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे ये चार पिलर्स बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, दो इधर, और ये एक तरह से पिलर्स का काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार दिख रहा है दोस्तों, नए पत्ते आ गए हैं, और ये करीब 15 फीट हाइट में है दोस्तों, और अपने आप में मजबूत भी है, और दिखने में इतना शानदार लुक आता है दोस्तों। दूर से अपन देखते हैं इसको तो ऐसे नज़र आता है कि ये कोई पिलर्स बनाए हुए हैं, कोई डिजाइन की हुई है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पौधा है ये गोल्डन साइपर्स, और ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन लुक है इसका, और इतना सुंदर लगता है दोस्तों। फार्म हाउस में, घर में, कहीं भी आप इनको लगा सकते हैं, और इनका फिर लुक देखिए दोस्तों। और दूसरा क्या है कि कहीं भी प्लांटेशन होता है दोस्तों, घर में लगाइए या फार्म पे लगाइए, कहीं पे भी लगाते हैं, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है दोस्तों। उनमें से एक गोल्डन साइपर्स ऐसा है जो अपना एक अलग रूप लेकर बैठा रहता है, इसका एकदम सबसे अलग हटकर कलर आता है दोस्तों, वो आता है इसका गोल्डन कलर, और बिल्कुल सोने जैसा। सर्दी के टाइम पे दोस्तों आप देखेंगे तो बिल्कुल गोल्डन हो जाता है ये, पूरा सोने जैसा कलर, इतनी चमक होती है इसमें। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे इसका कलर बहुत ज्यादा घना होता जाता है, और अपने आप में जितने पौधे लगे हुए हैं उनमें एक अलग हटके और एक बिल्कुल गोल्ड जैसा नजर आता है दोस्तों, और अपने आप में एक सुंदरता फैलाए रखता है। तो आपको देखकर काफी कुछ पसंद आया होगा दोस्तों, और आशा करता हूं कि फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, कोई नया प्लांट लेकर, और फिर से आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।